राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में विभिन्न न्यायालयों में लंबित पेटी क्रिमिनल केसेस के निस्तारण हेतु रविवार को जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वितीय की अध्यक्षता में माइक्रो लोक अदालत का आयोजन दिवाली न्यायालय परिसर में किया गया। माइक्रो अदालत में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पेटी क्रिमिनल केसेस का निस्तारण किया गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश द्वारा 19, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा 10, 12 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे द्वारा 118, सिविल जज सीनियर डिवीजन बांसगांव द्वारा 245, अपर सिविल जज प्रथम द्वारा 1934, सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी द्वारा 660, ग्राम न्यायालय गोला द्वारा 50, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा 225, सिविल बांसगांव द्वारा 4, ग्राम न्यायालय चौरी चौरा द्वारा 125, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज द्वारा 196 व न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय द्वारा 149 पेटी क्रिमिनल केसेस का निस्तारण किया। रविवार को आयोजित माइक्रो लोक अदालत में कुल 6876 पेटी क्रिमिनल केसेस नियत किए गए थे, जिसमें कुल 4737 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रुपये 2,86,785 रुपया अर्थदंड वसूल किया गया। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने बताया कि एक विशेष ई लोक अदालत का आयोजन 1 नवंबर को किया गया है, जिसमें पारिवारिक वादों का, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों से संबंधित ऐसे मामलों का निस्तारण कराना चाहता है वो संबंधित न्यायालय या कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने कहा, मैं विभिन्न न्यायालयों में काफ़ी पेटी केसेस पेंडिंग थे। इन केसों को डिस्पोजल करने के उद्देश्य से नालसा द्वारा व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हैं। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में आज माननीय जनपद न्यायाधीश गोरखपुर के निर्देशन में एक माइक्रो लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस माइक्रो लोक अदालत में हमारे यहाँ इस दीवानी न्यायालय परिसर में जितने भी न्यायालय थे उनके यहाँ जो केसेस पेंडिंग थी उसको आज लगाया गया था। इस लोक अदालत के माध्यम से हमने लगभग 6500 केसेस लगाए थे, जिसमें से 4737 केसेस का हमने डिस्पोजल करके लगभग 3.5 लाख रुपया जुर्माने के तौर पे वसूला। यह एक सालसा की ओर से पहल है, आगे भी इस तरीके का अगर हमें निर्देश मिलता है तो हम इस तरीके का लोक अदालत एक रेगुलर इंटरवल पे लगाएंगे ताकि वादकारियों को इस लोक अदालत के माध्यम से अधिक लाभ हो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि इस लोक अदालत के अलावा एक विशेष ई लोक अदालत लग रही है। वो जो विशेष ई लोक अदालत हम लोग लगाने जा रहे हैं वो 1 नवंबर 2020 को लगनी है। उसमें पारिवारिक मामला, एमएससीटी कोर्ट से संबंधित मामले हैं, उनका निस्तारण किया जाना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे वादकारियों से अनुरोध है कि वो अगर उनका मामला कोई पारिवारिक न्यायालय या अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय या एमएससीटी कोर्ट में पेंडिंग है वो अपना प्रार्थना पत्र सुलह समझौते के आधार पर उस संबंधित न्यायालय या उस न्यायालय के कार्यालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेषित कर सकते हैं और हम उनके प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए नियमानुसार उसका डिस्पोजल हम उस ई लोक अदालत के माध्यम से करेंगे। जेल अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है। हाँ, चूँकि कोरोना काल में भी बहुत सारे ऐसे बंदी हैं जो लंबे समय से जेल में निरुद्ध हैं, तो उनको भी एक विशेष लाभ देते हुए जेल लोक अदालत इस 25 अक्टूबर को हमारे दीवानी न्यायालय परिसर में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके माध्यम से हमारे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। इस लोक अदालत में जेल सुप्रिंटेंडेंट के माध्यम से प्रार्थना पत्र हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा और उनके पत्रावली पर विचार करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा उनके मामले को निस्तारित करते हुए उनके मामले को निर्णित किया जाएगा।